पार्टी को मजबूत बनाना 2025 में हम लोगों का लक्ष्य है। पुनः जो है हमारी एनडीए की सरकार बने और इसी लक्ष्य के साथ हम पार्टी ज्वाइन की है। आरजेडी छोड़ेंगे क्योंकि आप काफी करीबी रहे पशुपति पारस के और ऐसे में पार्टी हम जिसके साथ भी रहे हैं करीबी रहे हैं हम जिसके साथ भी रहे हैं करीबी रहे हैं लेकिन हमारे समर्थकों की दिली इच्छा थी कि नहीं पार्टी को मजबूत किया जाए, आगे सरकार बनानी है, इसलिए हमने तरारी में उपचुनाव भी और 4 वर्ष से पीरू और तरारी से चुनाव लड़े हैं, विधायक रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी निश्चित तौर पे जो निर्णय करेगी अच्छा निर्णय करेगी। इन उपचुनाव से पहले ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं तो इशारा वही है क्योंकि आप वहाँ से विधायक भी रहे हैं। अब तो हमने कहा ना कि ये पार्टी निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती है। अब पार्टी निर्णय करेगी और जो निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ हम लोग। आपकी व्यक्तिगत इच्छा तो होगी? व्यक्तिगत इच्छा जनता की सेवा है, व्यक्तिगत इच्छा हमारे समर्थक की चाहत है। हम अपने समर्थकों के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।